बीजेपी वर्करों कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बंगाल में बीजेपी वर्करों कत्लेआम बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी हाय हाय। बंगाल में कौशल गांधी ममता बनर्जी मुर्दाबाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में निहत्ते बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पीटा गया है, उनकी हत्या की गई है, उसके खिलाफ बीजेपी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में श्रीनगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अब देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए, कोरोना नियमों का पालन करते हुए यह प्रदर्शन किया गया है और बंगाल में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े रहने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की राजनीति है उसके खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इन लोगों से बातचीत की और जाना कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति चल रही है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं। देखिए, आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी का वर्कर सड़कों पे है और वो एहतजाज कर रहा है, क्योंकि मगरबी बंगाल में इलेक्शन के बाद जो वहाँ ममता बनर्जी और उसके गुंडू ने जो तांडव वहाँ रचा के रखा, डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं, इलेक्शन जीते जाते हैं, लेकिन इलेक्शन हारे जाते हैं, लेकिन जीत के नाम पे लोगों को माँ बहनों की इज्जत लूटना, जीत के नाम पे वहाँ की हमारे कार्यकर्ताओं की प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करना, जलाना और हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, ये किसी सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। आज हम यहाँ से यही मैसेज देना चाहते हैं कि मांगरी काल के जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, जम्मू कश्मीर यूनिट उनके साथ है, हम किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी 77 सीट ही जीत के ममता बनर्जी को फ्रस्ट्रेशन आई है, उसको पता चला है कि आगे मेरी जमीन खसकने वाली, इसलिए आज वो खौफ और दहशत से वह हमारे कार्यकर्ताओं को दबाना चाहती है, लेकिन हम किसी भी हालत में ऐसा होने नहीं देंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ आज़ाद, मैं बीजेपी का सीनियर लीडर हूँ। ये जो बंगाल में हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, वहाँ राष्ट्रपति रूल लगना चाहिए। ये दहशतगर्दी खून खराबा लोगों का मकसद नहीं है, लोगों ने वोट डाला है लोगों के लिए धन्यवाद, लेकिन जो तृणमूल वालों ने बीजेपी के वर्करों को शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया, मकानों को जला दिया, ये दहशतगर्दी से कम नहीं, ये बिल्कुल दहशतगर्दी है। इसी दहशतगर्दी से इंसानियत मिट जाते हैं, तो हमारा यही है कि वहाँ राष्ट्रपति रूल लग जाए और फिर इलेक्शन नया हो जाए। कि आपको पता है कि जो वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निहत्ते कार्यकर्ताओं की जो कत्ल किया जा रहा है सरेआम, आज उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा है और हमारी डिमांड है जो ये पॉलिटिकल दहशतगर्दी है ये बंद होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जहाँ तक हमारी डिमांड है वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाए ताकि जो ये गूंस हैं वहाँ पर या जो ये गुंडे हैं वहाँ पर जो ये निहत्ते बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत ये कत्ल करते हैं उनको, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। कि आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो पूरे भारतवर्ष में आज प्रोटेस्ट हर जगह कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है, क्योंकि देखिए क्या है कि ममता बनर्जी का जो वहाँ पर अभी दहशतगर्दी जो कर रही है वहाँ पर, वो बीजेपी वर्करों को मरवा रही हैं, उनके घर जलाए गए हैं, तो उस पर हम आज यहाँ पर हमने श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट किया है, तो हम तो इसकी भरपूर मजबूत करते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है। देखिए, ठीक है, हार जीत तो हाथ होती है, तो हमने वहाँ बंगाल में अभी 80s के आसपास हमने सीटें ली हैं, तो ये एक बौखलाना हरकत है और उसने ये जो जानबूझकर कर रही कि तो ये जो हमारे वहाँ पर बीजेपी वर्कर्स हैं उनको टेररिज करने के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना रोधी टीका लगाने का काम भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग खुद भी
टीके का महत्व समझते हुए टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, उधमपुर में टीकाकरण केंद्र के बाहर जब लोग इकट्ठा हुए लाइन लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उन्होंने क्या कहा। जहाँ हमारे आज वैक्सीन लगना शुरू हुई है, जो 45 साल से ऊपर लग रही है, यहाँ ये जितनी टीम आई हुई है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे बड़े दिनों के बाद लोग पहले भी जाते रहे, जिगाणू गए, उधमपुर गए, उसमें रश बहुत ज़्यादा होता था तो लोग शाम को बाहर आए थे, कई बार दवाई ख़त्म हो जाती थी तो हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आज हम शुक्रिया अदा करते हैं पूरी टीम का जो जहाँ सुगलाग में आकर वैक्सीन का काम इन्होंने शुरू किया है। आज गोडी ब्लॉक की सरगार पंचायत में जो है वैक्सीन का कैंप लगा है, 45 साल के ऊपर वैक्सीन लोगों को लग रही है। इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जम्मू गवर्नमेंट का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि जिन्होंने मतलब कि जिन्होंने आज पंचायत भाई मतलब कि आज बरमीन और सरगार पंचायत में हमारे जो कैंप है वैक्सीन के वो लगे हैं, क्योंकि लोगों की पहले की ये डिमांड थी कि क्योंकि गोहडी का एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ पे लोगों को सफ़र करना पड़ता था, इसलिए मैंने डीसी मैडम से भी बात की और सीएमओ साहब से भी बात की है। आज हमारे 2-3 पंचायतों में वैक्सीन का कैंप और वैक्सीन लोग करवा रहे हैं।